हमीरगढ़ में स्थित चामुंडा माता मंदिर पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट पहुंचे, जहां स्वरूपगंज पूर्व सरपंच पप्पू रेवारी के निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां पहुंचकर चामुंडा माता रानी का आशीर्वाद लिया। वहीं शहरवासियों ने उनका साफा पहनाकर स्वागत किया। हमको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान राजनीति पर चर्चा करते हुए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मौके पर SDM अजीत सिंह राठौर, तहसीलदार लोकेश चौधरी, वहीं थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण, नगर पालिका अध्यक्ष रेखा परिहार आदि उपस्थित रहे। में नगर पालिका हमीरगढ़ जो बनी है वो राजस्थान सरकार द्वारा कितना बजट पेश करे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? नगर पालिका देखो, सरकार जो जनसंख्या के आधार पर पैसा देती है, हमीरगढ़ की जो जनसंख्या है उसके आधार पर राज्य सरकार का पैसा आएगा। जहाँ तक बजट का रहा, तो बजट में उनके जो चेयरमैन है, वार्ड मेंबर है, उनके EO है, उनके जो टेक्निकल लोग है, वो एक प्लान बनाकर जो प्रस्तुत करते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। उन्हीं से पूछोगे तो आपको बजट की पूरी चीजें आएगी सामने। लेकिन जो राज्य सरकार का जो काम है, हर नगर पालिका में 20-20 किलोमीटर सड़क देने का काम है, इंदिरा रसोई का काम है, अब तो पंचायतों में भी शुरू कर दिया, जो बड़ी ग्राम पंचायत है उसमें भी इंदिरा रसोई का। सर दूसरा एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे कि अभी हमीरगढ़ के अंदर जो पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जो 8 से 10 दिन के अंदर आ रहा है, और आपके जो मंत्री महेश जोशी है उन्होंने ये दावा भी किया है कि रोजाना पानी मिलेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, चंबल योजना का पानी भीलवाड़ा के लिए हम लोग लेकर आए हैं, बहुत बड़ी योजना, अशोक गहलोत जी को मैं धन्यवाद दूंगा। ग्रामीण एरिया के लिए हमने यहाँ कैलाश त्रिवेदी जी, मैं, प्रदीप कुमार सिंह जी, महावीर मोची थे। हम लोगों ने जब CP जोशी जी का इलेक्शन आया चंबल डिक्लेरेशन के बाद, तब उन्होंने निवेदन किया, हमने मुख्यमंत्री जी को जाकर कहा, वो पानी आया हमीरगढ़ में, वो लेट आया, फिर भी मैं पता करूंगा कि हमीरगढ़ में कितना पानी आ रहा है। बाकी हमने अभी इलेक्शन जो उपचुनाव के बाद में स्वरूपगंज और अमीरगढ़ को जो जोड़ा चंबल के पानी से, उससे फायदा अमीरगढ़ को निश्चित रूप से मिल रहा होगा। फिर भी आपने ये मांग उठाई, तो जल जीवन मिशन जो 55% राज्य सरकार, 45% भारत सरकार का जो पैसा मिलता, उस योजना में हमने तमाम जिले के ग्रामीण एरिया या शहरी एरिया जिसका कोई ही कस्बा बाकी नहीं रहे, कोई मोहल्ला बाकी नहीं रहे, उस योजना के टेंडर हमारे हमीरगढ़, सुवाणा, रायपुर, साढ़ा के अभी कैंसिल हो गए थे पिछले महीने, वापिस हम लगवा रहे हैं, जिससे अभी मांडला और करेड़ा का हमने करवा दिया, आसीन का हो गया, बनेड़ा का हो गया, कुछ तहसीलों का हो चुका है जिसमें काम 50% तक हो गया, ये 4-5 तहसील बाकी है, शुरू से ही पीछे रही है, लेकिन अब हमने इसको जोड़ा है, तो कहीं कोई दिक्कत आने वाले समय में नहीं आने देंगे। इसलिए महेश जोशी इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया सोच समझ के दिया। फिर भी आपने जो मांग उठाई, तो मैं कल ही जो इसकी बात करके ज्यादा सुविधा कैसे हो मिर्गढ़ वासियों को वो काम कर। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि जिस तरह से BJP सरकार में अभी हाल ही में CP जोशी को अध्यक्ष बनाया है, तो राजस्थान सरकार की कांग्रेस सरकार एक कौन सा नया चेहरा लाएगी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? CP जोशी जी अध्यक्ष बने, मैं मेरी तरफ से उनको बधाई दूंगा, हमारे मेवाड़ अंचल के हैं, अच्छा है पार्टी ने, लेकिन राजनीतिक फैसले नेशनल पार्टी की जो कमेटी होती है वो करती है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न रहा, तो हमारे अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा जी, आला कमान ने विश्वास कर रखा है, तो हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, सरकार को मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, उनके नेतृत्व में सरकार का काम कर रहे हैं, संगठन का काम गोविंद डोटासरा जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। ये फैसले मेरे हाथ में नहीं, इसलिए मैं इन पे कोई कमेंट नहीं करूँ। राजस्थान सरकार की जो जनता है अब त्रास्त होगी या मस्त होगी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई भी सरकार का कार्यकाल संविधानिक जो संविधान में जो प्रोविजन कर रखा है, प्रावधान कर रखा है, वो 5 साल का होता है। तो राजस्थान की जो गहलोत सरकार, इसका कार्यकाल भी 5 साल है, जो हमारे 4 साल कुछ महीने निकले, हमने शानदार 2 साल कोरोना के बावजूद व्यवस्था की, शानदार हमने बजट दिया, मॉडल स्टेट हेल्थ में 7% हिंदुस्तान के कोई राज्य में नहीं है, केवल राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें 7% हेल्थ का खर्चा हो रहा है। इसी तरह हर योजना का फायदा राजस्थान की जनता को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं, मैं भी अपील कर रहा हूँ कि जब चुनाव हो तो जनता हमें दोबारा इन कामों को देखते हुए समर्थन दे, तभी जाके इसका जवाब जनता के माध्यम से आएगा, मेरे कहने से जनता का नहीं। अभी हम ये कह सकते हैं, हमें 5 साल का मेंटेन दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको तोड़ने की कोशिश की है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, राजस्थान में भी उन्होंने ये कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। तो जनता के जो मेंटेन दिया जाता है, तो जनता ही उसको बदलने का प्रावधान ये हमने कांग्रेस पार्टी ने किया है, उस पर छेड़खानी उनको नहीं। आज आपकी अमीरगढ़ की सरपंच है, नगर पालिका होगी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसको छेड़ थोड़ी रही,
जब तक इसका कार्यकाल रहेगा। अगर इसमें छेड़खानी करेंगे तो सरकार का उल्टा, ये कोई अकेली घर की थोड़ी है, ये तो यहाँ की जनता का अपमान होता है, जनता ने इसको चुना है। तो राजस्थान की जनता ने कांग्रेस अशोक गहलोत को चुना है, कांग्रेस पार्टी को चुना है, तो भारतीय जनता पार्टी को उस पर अंगुली नहीं उठानी चाहिए। ये चीज जनता समझेगी, हम जनता को अपील करें।